तरसा ही रह गया उम्र पर तेरे साथ नूं हुंजरां विच काफले बड़े मिलदे रहे। सत श्री अकाल दोस्तों, पिंडां विचों पिंड विच मैं जस्सी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। अज असीं आप पहुंचे हाँ पिंड माजरा मन्ना सिंह वाला, जो कि जिला फतेहगढ़ साहब विच पैंदा। ते अज मैं तुहाडी मुलाकात बॉलीवुड दे ते पंजाब दे बहुत ही बेहतरीन प्लेबैक सिंगर ते एक्टर दे नाल करान जा रही हाँ। आओ मुलाकात करदे हाँ लाभ जंजुआ दे नाल। मेरी वाइफ दलीत कौर, ठीक है। ते हुन मैं तो वेख्या कि तुहाडे घरे रेनोवेशन चल रही है, तुहाडे घरे पेंट पूंट चल रहा है। हाँ जी, पेंट लगे ने, मजदूर काम चल रहा है क्योंकि पॉलिश वगैरह करवा रहे हैं सारे घर रंग रुंग। मैं क्या चंगा लगता, तुहानू तो वैसे भी टाइम घट मिलता है, मैं लगता जो यही कारण है क्योंकि मैं ज्यादा अद्धे दिन बॉम्बे जाना पैंदा विच दी, फिर अद्धे दिन पंजाब, तो पिछों सारा फिर यही संभालते हैं वाइफ मेरी। इनिया सारिया ट्रॉफीज जड़िया ने तुहाडिया ने, किन्ने सालों की मेहनत है? देखो जी, हम बहुत साल हो गए गाँवदियां नूं ट्रॉफी, तो फिर हम इदा भी हले काफ़ी साढ़े उद्दे होर रूम ने उन्हां च भी पईआं ने हले, क्योंकि काम चल रहा है मकान का, कुछ टुट भज जांदियां ने। ट्रेलर समझो, ये सारा घर ट्रॉफी ने भरया। मैं तो कहूंगा भी सरमाया हुंदा आर्टिस्ट दा है। जी 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 बिल्कुल। एक सरमाया। अच्छा, ते मैम ज्यादा देर तक लाभ जंजुआ जी का बाहर रहिंदे ने, बॉम्बे रहिंदे ते तुसीं पंजाब च रहिंदे हो, घर का ध्यान रखते हो, फैमिली का ध्यान रखते हो, ते एक दूजे दे नाल प्यार जड़ा है हल तक किवें बरकरार रखे है तुसीं? क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो मैनूं लगदा औरत दी हुंदी है, वाइफ दी हुंदी है, धर्म पत्नी दी हुंदी है। प्यार जड़ा तुसीं पुछिया है, वो प्यार साढ़े दिल दे विच बहुत ज्यादा है, गहरा प्यार है, गूढ़ा प्यार है। बस उस प्यार दे सत्ती असीं बैठे रहे घर सामभ के, ते बाकी फोन ते गलबात हुंदी रहिंदी है, रोज दो तीन वारी फोन करदे ने, तीन चार वारी भी करदे ने, ते इह जरूरी हुंदा मैनूं लगदा। हाँ जी हाँ जी। बाकी उत्थे तां दो चार दिन ही रहिंदे ने, हुण ज्यादा इत्थे घर च ही रहिंदे ने, खन्ने आ के घर दे विच ही टाइम ज्यादा गुजारदे ने मेरे नाल। एक सारा शहर जांदा पंजाब जांदा कि लाभ जंजुए दा एक स्कूटर बड़ा मशहूर है। हाँ जी हाँ जी। ते ओ स्कूटर दे सानू दर्शन जरूर करो। स्कूटर मेरा एदा मशहूर इस तरह मशहूर नहीं गा कारण यह भी मैं देखो लाइफ दे विच पहला साइकिल चलाया। क्या बात। साइकिल मैं बेचता बाद च, ते उस तो बाद मेरे को एक होर प्रिया स्कूटर सी, ओ मैं बेचया गया काफी देर, बहुत देर सीगा प्रिया स्कूटर बहुत मशहूर सी। उस तो बाद फिर मैं बजाज चेतक लिया जिहदे उत्ते मैं बहुत काम किया, हुण भी कदे कदे मैं गेड़ा उहदे ते ला लैंदा, ते ओ मैं स्कूटर हले भी अपने घर रख्या है। दिखाओगे मैनूं? हाँ जी बिल्कुल दिखाऊंगा। चलिए आपां देखण। हाँ जी आओ, तुहानूं दिखाउने आ स्कूटर, दिखाउने आ उस तो बाद तुहानूं पिंड भी घुमाउने आ। क्या बात है, चलो जी आओ जी। आओ जी। लो जी, लो जी। वाह वाह वाह, ए ओ स्कूटर जेड़ा पूरे पंजाब च हर गली विच हर नुक्कड़ विच हर घर विच मशहूर है। हाँ जी, पर मैंने इस स्कूटर की एक गल ये भी याद है कि मैं कई साल होए इस स्कूटर ते, मैं इस स्कूटर नु चला के पटियाले गया गुरदास भाजी दे घरे। अच्छा। गुरदास भाजी नु मिलने वास्ते गए, मैं ते मेरा दोस्त दविंदर, दोनों असीं इस स्कूटर ते गल्लां करदे जा रहे सी कि अपनी कैसटां बहुत चल रहीयां ने, बड़े अच्छे अच्छे गाने आ रहे ने, यार एक गुरदास भाजी तों गाणा लवांगे। ਉਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇਣਾ। ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਤਾ,
वह गीत उन्होंने एक किताब छपी है जी गुरदास मान की जीवनी और गीत भी वह प्रिंट किया मतलब स्कूटर थोड़े लिए बहुत लकी रहा हाँ लकी है जी मेरे लिए लो जी ऐसी जी लाभ जंजुआ जी का स्कूटर ते कर ते हुण असीं तुहाडे पिंड जाणे पिंड दी सैर कराओगे हाँ बिल्कुल आओ चलो चलने पिंड लो जी हुण मेरा चले छोटे जे ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद लाभ जंजुआ जी दे पिंड जावांगे जिथे उन्हां दा जन्म होया तुसीं कितना ना जाओ वेखते रहो पिंडा विचों पिंड छोटे जे ब्रेक तो बाद पिंडा विचों पिंड विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है ते अज असीं मुलाकात कर रहे हाँ बॉलीवुड सिंगर एक्टर लाभ जंजुआ जी दे नाल ते लाभ जंजुआ जी आ तुहाडा पिंड बिल्कुल जी ये है साडा पिंड जस्सी जी पिंड का नाम है माजरा मन्ना सिंह वाला ते ए पिंड है जिथे तुहाडा जन्म होया बिल्कुल जी ये ओही पिंड है जिथे मेरा जन्म होया लाभ जंजुए का जन्म क्या बात है ते आ पिंड दे नाल ता बहुत मोह होएगा बहुत सारियां यादां हां जी बिल्कुल है क्योंकि मेरा सारा बचपन इत्थे निकलिया और पढ़ाई मैं सारी इत्थे कीती अच्छा खेतीबाड़ी मैं इत्थे कीती क्योंकि साडे विच सारे खेतीबाड़ी मैं आप कीती इत्थे और ये पिंड नाल मेरी यादां बहुत जुड़ी हैं मेरे हानी मेरे दोस्त सारे दोस्त मित्र इत्थे ने हले हाँ जी बिल्कुल लगभग इत्थे ही है कोई थोड़े बहुत इधर उधर कि अपनी जॉब के हिसाब न चले जाते जिदा नहीं तो पिंड के लोग सारे इत्थे ही है सारे दोस्त इत्थे ने वीर बुजुर्ग इत्थे ने कुछ चेते आ रहे हैं इत्थे आके हाँ जी बहुत कुछ चेते आता जी बहुत सारिया यादा जड़िया ने ताज़ा हो जाए हाँ जी हाँ बिल्कुल चेते आ रहा वैसे बहुत अगे ना पहला ना सा पिंड बड़ा तरक्की है बड़े अच्छे अच्छे मकान इतने बन गए हैं पहला जिदा जिन्हें पिंड की फिरनी कहने हैं तो आ लिखा भी हो देखो माजरा मन्ना सिंह की फिरनी और ये तो पहला इन्ने मकान नहीं सी होंगे अच्छा आ गुरुद्वारा साहब है हाँ जी ये गुरुद्वारा साहब है ये भी मेरी याद जुड़ी हुई है इतिहास है गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा साहब ये इतिहास कोई नहीं है साढ़े पिंड का गुरुद्वारा है पिंड माजरा मन्ना सिंह वाला का गुरुद्वारा ये याद मेरी जुड़ी ही जरूर है क्योंकि मैंने पाठ करने का बहुत शौक से हाँ जी इतों बिल्कुल साढ़े जो खेत ने जिन्होंने असी पंजाबी जट लोग कहने कि मोटर से चले हैं वो मोटर साड़ी सामने ही है नेड़ी अच्छा उतों मैं शाम को पठे पठे कुतर के बहुत जल्दी उतों भजना कि मैं गुरुद्वारे जाके जल्दी पाठ करा कि कोई मेरे तो पहला होर ना लग जाए पाठ करना मैंने इन्ना शौक से क्योंकि साढ़े बाबा जी होंगे सरदार हाकम सिंह जी इतने जे गुरुद्वारे पाठ करते थे उन्होंने मैं जे वो पाठ कर लग भी गए तो उन्होंने आपे उठ खड़ना कहना भी लै तो तू आ जा अच्छा सो इस हिसाब ना फिर मैं इतने आके पाठ करता रहा जो रहा मत्था टेक ली अंदर चल हाँ जी बिल्कुल आओ चलो मत्था टेक दें साढ़े पिंड का गुरद्वारा गुरद्वारा साहब ना भी मेरिया बहुत यादा जुड़िया हुई ने क्योंकि मैं अपने खेतों के जल्दी कम मुका के शाम बहुत जल्दी भजदा सी ता कि इतने आके रह रास का पाठ कर सकता मैं बहुत शौक है पाठ करने का हूँ टाइम बहुत घट मिलता वैसे करना चाहिए क्योंकि पाठ जिंदगी लिए बहुत जरूरी है जी। नाम तो पर मैनू इतने शौक हों क्योंकि उस टाइम भाई त्रिलोचन सिंह रागी का एक रिकॉर्ड आया सी बन के पाठ का रह रहा साहब का सुखमणी साहब का जपजी साहब का मैं वो बिल्कुल डिटो कॉपी करता इतने मैंने शौक से उदा ही पाठ करना सेम बिल्कुल ये भी एक गलबात है हुण ये जिहड़ा पिंड है साडा माजरा मन्ना सिंह वाला जिथे लाभ जंजुआ जमया पलिया पढ़िया बड़ा होया और इत्थे मेरे दादा बखतौर सिंह जी जिन्हां तों मैं संगीत सिखिया
मेन गल क्योंकि वो दादा जी मेरे कीर्तन करते थे उन्होंने को मैं मुढ़ली सिक्ख्या ली इत इस पिंड ठीक है जी और ज़्यादातर मैं खेतों में रहा क्योंकि घरे अलाउड नहीं गाँव फिर मैं खेतों से गाँव से खड़ के बटा से ठीक है जी क्या बात है अच्छा एक्टिंग हाँ जी तुसी एक्टिंग भी बहुत कमाल दी कर दे हो ते एक्टिंग बारे कुछ दसो एक्टिंग दा इंटरेस्ट जड़ा दिलचस्पी कदो एक्टिंग दा एक्चुअली मैं बहुत साल पहला ए, शायद ये गल किसी किसी पता है क्योंकि उस टाइम जो सिंगर लोग सी जिमें अजकल साढ़े सिंगर भरा बहुत ज़्यादा फिल्म बना रहे ने सो जिन्हों एक दो फिल्म बहुत चलिया ने पंजाबी नू बड़ी कबूलीयत हासिल हुई है और उस टाइम किसी टाइम मैं एक्टिंग की दो फिल्मों के एक फिल्म सी जट ते जवान अधूरिया आसा दो फिल्म सीगियां और उस टाइम कोई भी सिंगर एक सिर्फ एक सिंगर छड़ के जेडे मेरे गुरु भाई ने सर्व श्री सुरेंद्र शिंदा जी उन्होंने पुत जट्टां दे फिल्म दे विच कम कीता सी उस तो पहला मेरा ख्याल है भी कोई कलाकार जिहड़ा सी ओह फिल्मां च नहीं सी आउंदा और नवे कलाकार जिहड़े अजकल जिद्दां हुण गा रहे ने बहुत ये तो बिल्कुल ही नहीं सी ना ये तो बिल्कुल है नहीं सी किसी भी फिल्म दे विच उस टाइम मैं दो फिल्मां कीतियां सी अच्छा हुण तुहानूं काफी देर हो गई गलबात करदे होए कोई गीत तां तुहाडे तों सुणिया नहीं इन्ने तुहाडे हिट सॉन्ग ने तुसीं परमिशन नहीं कीती तुसीं फिर सुनाओ कोई फटाफट केड़ा सुनाओगे जी करदा सुना दो जी करदा बे जी करदा तन कोल बिठा मां जी करदा जी करदा बे जी करदा तन कोल बिठा मां जी करदा एक बारी ओ एक बारी तू सीने नाल लग सोनिए ओ बल्ले बल्ले तू सीने नाल लग सोनिए अच्छा हुण तुसीं मैनूं कित्थे लैके जा रहे हो हुण देखो ये साडे पिंड शहीदां सिंघां दी जगह अच्छा जी जिथे असीं बचपन दे विच आउंदे हुंदे सी मैनूं एक गल याद है कि जिदा आ निक्के निक्के बच्चे घूमदे फिरदे आ सारे जदों असीं एडे एडे हुंदे सी छोटे छोटे तां इस जगह ते इत्थे पहलां आ दो इत्थे हल्ट हुंदे सी जिन्हां नूं आपां खूह कहिंदे आ बैलां नाल चलदे सी घूम घूम के पानी कढ़दे सी जिन्हां नाल संजाई भी हुंदी सी इत्थे भी खूह हुंदा सीगा हुण तां मोटरां लग गईआं इंप्रूव हो गया ट्यूबवैल लग गए सो इत्थे असीं इस जगह असीं लाइन ला के बैठे हुंदे सी उरे बच्चे दसवीं वाले दिन अच्छा ठीक है जी कि नंबर चंगे आ जाए दसवीं वाले दिन असीं इत्थे बैठे हुंदे सी हत्थां साडे कौलियां ते बाटियां हुंदियां सीगियां क्योंकि पिंड दे विचों सारे जदों दसवीं नूं प्रसाद बना के लैके आउंदे ने साडियां मातावां साडियां भैणां उन्होंने प्रसाद लैके आना किसी ने पास हो जाना उन्हें लड्डू वंडन आना किसी ने कुछ आना तो दसवीं असं पहले ही नहा के और तैयार होकर बह जाना खाण पीण लई ते उह सारे ने उत्थों पहला मत्था टेक के आना अच्छा अंदर मत्था टेक के आ के सानू सारे ने इत्थे प्रसाद चौल जां लड्डू जां जो भी उन्होंने सानू देना क्योंकि बच्चे असीं हुंदे सी फिर असीं खुश होना उन्हूं खा के और जदों हुण उह चले गए वंड के कोई होर हुंदा नहीं सीगा फिर साडी दूर तक नजर जानी परे पिंड जो दूरों सानू देखना कि कोई बीबी मत्था टेकन ले आ रही है तो सारे चीकां मारनी एक होर आ गई अच्छा खुश खुश हो जाना ये मैं याद है पर मेरे सारे हाणियों नू याद होगा भी इदा असीं सारे कर दिंदे चलो बहुत खूब असीं ये जगह है वो जिहड़ी शहीदां सिंघां दी साडी ते इत्थे असीं बचपन च भी मत्था टेकदे रहे हां हुण भी कदे कदे जदों टाइम लगदा आ जाईदा लाभ जंजुआ जी साडे नाल लाभ जंजुआ जी आ तुहाडा घर है जिथे तुहाडा जन्म होया बिलकुल जी ये साडा घर वो आ जिथे मेरा जन्म होया ते हुण साडी फैमिली वैसे बाहर रहिंदी है क्योंकि सारे घरां नूं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਢਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਲਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ
सामने जिथे आ स्तीर जे पे ने एक कमरा हुंदा सी साडा जिथे आपां जट लोग जां वैसे सारा कुछ जिहड़े दाणे दूणे रखदे आ कणक जां समान गुड़ शक्कर तां इत्थे जिहड़ियां बणियां हुंदी सी उहनां नूं असीं कहिंदे हुंदे सी भड़ोले जां कोठियां। तुसीं सुणिया होणा ना भड़ोले, भड़ोले लिप लिप के बनाउणे वड्डे वड्डे जां वड्डियां वड्डियां कोठियां हुंदी सी दाणे वाली कोठी है ना जी जी। ते इत्थे मेरा ख्याल चुल्हा हुंदा होवेगा। हांजी चुल्हा इधर हुंदा सी साडा, इत्थे चुल्हा हुंदा सी बाहर जी। इत्थे साडी रसोई भी हुंदी सी छोटी जी पहलां ओह परे जी। तूड़ी भरी हुंदी सी और साडे डंगर हुंदे सी पहलां किसे टाइम। अच्छा। जिहड़े डंगर पशु इत्थे हुंदे सी इत्थों खोल के फिर उहनूं बाहर नूं लैके जाणा, फिर हौली हौली असीं उत्थे जिथे खेतां च रख ले जिहनूं आपां जावांगे तुहानूं दिखावांगे हुण साडे खेत वी उत्थे ले जा के रख ले। इस तरह साडा घर सीगा। मूहरे बिल्कुल सामने फ्रंट ते एक कमरा हुंदा सी जिहनूं बैठक कहिंदे हुंदे सी लोकी, बैठक जी है ना जी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਲਾਭ ਜੰਜੂਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬਾ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਬਲੀ, ਪੰਮੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਭ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ। ਹਾਕੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੋਰ ਛਪਾਈ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣੋ ਮੈਂ ਛਪਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੇਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੰਟੇ ਖੇਡੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਟੇ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਨੇੜੇ ਚਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਖਰੋਟ ਖੇਲ ਬੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖਰੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਗਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੱਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਂਝਾ, ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਬਰੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਥ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਦੋ 3 ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਡੀਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈਏ ਚੱਲੀਏ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ हुण तुसी मैनूं अपनी जमीन उत्ते लेके आए हो तुहाडे खेत ने बिल्कुल जी ए है जट दी जमीन एवे जट दी जमीन हाँ ए है जट दी जमीन ओ दूर तक जिथे तक मेरी नजर जा रही है ओ रोड जा रही है सामने ओ पिंड खनियान दिखता है जिथे मैं पढ़िया बचपन दे विच प्राइमरी तो मिडल तक हाई स्कूल मैं अमलोह पढ़िया इत्थे 2 किलोमीटर जी, जी, जी। ए जमीन साडी सारी खेतीबाड़ी दा मैनूं आप भी बहुत शौक है क्योंकि मैं खेतीबाड़ी बहुत की आप उस टाइम साढ़े को ट्रैक्टर नहीं सी कोई हुंदा बैलां दे नाल मैं खेती की है अच्छा। बलदा नाल जिहनूं अच्छा है ना और मैं बकायदा बौंदा रहा हल इह सारे खेतां दे विच मैं हल बाहिया होया सो इस टाइम इत्थे आ साढ़े सारे डंगर पशु सब जो भी है इत्थे बन्ने शुरू तो इदां मेरे दादा जी इत्थे रहिंदे सी दादा बखतौर सिंह ते मैं इत्थे रहिंदा सी मैं लगभग ज्यादा जदों मैं पढ़िया ते गाउणा सिखिया तां मैं इत्थे ही ज्यादा गाउंदा रहा आ के क्या बात ते फिर हुण केड़ा गीत सुना रहे हो इत्थे आ के तुसीं मैनूं गांदे तां हुंदे देखो मैं पहलां भी इत्थे खेतां दे विच गाउंदा हुंदा सी अज भी याद ताजा करांगे तुहाडे नाल मैं तुहानूं इत्थे गीत हुण मैं सुना दिंदा पहलां मैं होर गीत गाउंदा हुंदा सीगा हुण इत्थे मैं बॉलीवुड दे विच गाया गीत सलमान गोविंदा दी फिल्म पार्टनर दा गाना तुसीं सुणिया सारिआं ने सोहणी दे नखरे चलो फिर हो जाए गीत सोनी दे नखरे सोने लगदे मैनू सोनी दे नखरे सोने लगदे सोनी दे नखरे सोने लगदे ओ मैनू सोनी दे नखरे सोने लगदे कहंदी पौ पपदी जैम कहंदी ओ जाणा जाणा कहंदी पौ पपदी जैम कहंदी ओ जाणा 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 सोनी दे नखरे सोने लगदे मैनू सोनी दे नखरे सोने लगदे सोनी दे नखरे सोने लगदे मैनू सोनी दे नखरे सोने लगदे कहंदी पौ 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है लाभ जंजुआ जी थैंक यू सो मच तुसीं टाइम कढ़िया अपने पिंड दी सैर कराई सोहणे सोहणे गीत सानू सुनाए ते ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਜਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सो दोस्तों ऐसी मुलाकात लाभ जंजुआ जी के नाल तुहानू साडा अज दा एपीसोड किदां दा लग्गिया सानू जरूर लिख के भेजना तुहाडे सुझाव तुहाडा फीडबैक साडे लई बहुत इंपोर्टेंट है साडा ईमेल आईडी है pindpin@thezeenetwork.com अगली बार एक होर शख्सियत दे नाल मैं जस्सी तुहाडी मुलाकात करावांगी तद तक मैनू दिओ इजाजत सत श्री अकाल